क्लास फाइव का चैप्टर नाइन एक्सरसाइज 53 है हम लोग के सामने। तो क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पे है, कन्वर्ट इट टू सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर्स में हम लोग कन्वर्ट करना है और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट दिया हुआ है। यहाँ पे डीएम दिया हुआ है, डेसीमीटर, मीटर दिया हुआ है और किलोमीटर भी दिया हुआ है। तो इसको हम लोग को लेके जाना है सेंटीमीटर में, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ए और बी पार्ट है, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं पहले एमएम होता है, फिर सीएम होता है, फिर डीएम होता है और एम होता है। तो यहाँ पे डीएम दिया हुआ है और हम लोग को जाना है डीएम से सीएम में जाना, मतलब सेंटीमीटर में जाना। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, बड़ा यूनिट से छोटा, मतलब मल्टीप्लाई होगा और एक स्टेप मतलब टेन, टेन से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे वन डीएम इक्वल टू टेन सेंटीमीटर, तो हमारे पास है 7.9 डीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7.9 इंटू टेन। तो जीरो एक जीरो है, इसका मतलब है कि पॉइंट एक बार राइट साइड की ओर चलेगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 79 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। उसी तरह से बी नंबर में हम लोगों को यहाँ पे देखते हैं मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, एक स्टेप बढ़ गया यहाँ पे। तो यहाँ से एक बार जाएंगे 10, फिर दूसरा बार जाएंगे तो 100 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट की ओर हम लोग चल रहे हैं, 100 से करना है इसको। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो हमारे पास है 2.30 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.30 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो गया, तो ये यहाँ पे दो जीरो है, इसका मतलब दो बार राइट साइड पॉइंट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 230 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास है सी और डी पार्ट, तो यहाँ पे मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है, तो मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 m एक मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और हमारे पास है 9.06 मीटर इक्वल टू 9.06 इंटू 100 कितना हो गया, ये पॉइंट दो बार राइट साइड की ओर जाएगा, इक्वल टू 906 सेंटीमीटर, और यही आंसर होगा। इसी तरह से यहाँ भी मीटर में कन्वर्ट, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास है 12.12 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12.12 इंटू 100, इसको हम लोग मिटा देते हैं, इक्वल टू ये दो बार चलेगा, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर टू का ई पार्ट है हम लोग के सामने, और यहाँ पे किलोमीटर में, किलोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे किलोमीटर काफ़ी दूर यूनिट पड़ता है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा यूनिट है ये, तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ से चलना है और यहाँ तक जाना है। तो यहाँ से चले 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000, तो बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट की ओर चल रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 1,00,000 से, 100,000, 10,000, 1,00,000 इससे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास है 1 किलोमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर में जाना है, तो 1 × 100, 1,000, 10,000, 1,00,000 यहाँ पे हो गया सेंटीमीटर। तो हमारे पास है 2.039 किलोमीटर इक्वल टू 2.039 इंटू 10, 100, 1,000, 10,000, 1,00,000। तो यहाँ पे कितना जीरो है, 5 जीरो है, तो हम लोग को इस पॉइंट को 5 बार राइट साइड लेके चलना पड़ेगा। तो 1, 2, 3 बार ले जाते हैं तो ये पूरा कंप्लीट नंबर आ जाता है, दो बार और ले जाना पड़ेगा, तो 1, 2, तो 2 जीरो इस पर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 2039 और 2 जीरो इस पर लगेगा, इतना सेंटीमीटर हो गया, और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग।